सब्सक्राइब कीजिए भक्ति सॉन्ग्स चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए नए वीडियोस के अपडेट्स के लिए। हरिओम। हुताशनी पूर्णिमा हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस दिन होलिका दहन होता है। भारतवर्ष में हर क्षेत्र में इस दिन होलिका का दहन किया जाता है। इस होलिका दहन के पीछे भी हमारे शास्त्रों में कई कथाएं हैं। एक कथा ऐसी है कि ढूंढी नाम की एक राक्षसी थी, बली ही बलशाली और आसुरी प्रकार की वृत्ति वाली, लोगों को कष्ट देना जैसे कि उसका स्वभाव था, लोगों को परेशान करना, उनके लिए समस्याएं उत्पन्न करना, विनम्रताएं खड़ी करना, ये मानो उसका जीवन का ध्येय था। महादेव जी से उसे वरदान प्राप्त हुआ था कि वो तब तक जिएगी जब तक कि बालक उसकी मखौल नहीं उड़ाते, मजाक नहीं करते। जिस दिन बालकों ने उसकी मजाक की, मखौल उड़ाया, उस दिन समझ लेना ढूंढी, वो तेरा आखिरी दिन होगा। ऐसा वरदान प्राप्त किया था इसलिए वो निश्चिंत होकर कहीं पर जाती थी और लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार की बाधाएं और कष्ट दिया करती थी। इस ढूंढी से मुक्ति के लिए बहुत से लोगों ने प्रयत्न किए लेकिन वे प्रयत्न कभी सफल नहीं हुए, इसलिए वो और स्वच्छंद हो गई थी। एक बार इस ढूंढी के लिए कुछ बालकों ने जब इस ढूंढी को देखा है तो उन बालकों ने उस ढूंढी का मखौल उड़ाया है, मजाक किया है, और ऐसा कहते हैं कि उस मजाक, उस मखौल से ढूंढी खुद ही जलकर भस्म हो गई। और उस दिन से ही ये शायद परंपरा शुरू हुई कि जब होलिका दहन होता है तो लोग मजाक, मखौल आदि सब करते हैं। फिर और एक भी कथा है इस होलिका दहन के विषय में। पुराण काल में शिव जी का विवाह दक्ष प्रजापति की कन्या सती से हुआ था। कुछ ससुर दामाद के बीच कुछ मतभेद हुआ। वैसे शिवजी के पक्ष में तो कुछ नहीं था लेकिन दक्ष प्रजापति को ऐसा लगा कि शिवजी ने उनका मान सम्मान, उनकी गरिमा को नहीं पहचाना है, उनका अपमान किया है। इसलिए दक्ष प्रजापति क्रोधित होकर अपने जमाई और अपनी बेटी उससे अपना संबंध तोड़ चुके थे और इसीलिए एक बार उन्होंने अपने दामाद को, अपने जमाई को नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के आयोजन में सभी देवी देवताओं को अपने परिवार, अपने गण, अपने दूतों के साथ निमंत्रित किया और सभी को यह आदेश दिया कि आप सभी के विमान, आप सभी के वाहन कैलाश के ऊपर से गुजर कर ही इस यज्ञ मंडप में आएंगे, लेकिन इस यज्ञ में अपने बेटी और अपने दामाद को उन्होंने निमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस बात का पता चला कि उनके पिता बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो वे जाने के लिए लालायित हुई, उत्साहित हुई। शिवजी ने उन्हें मना भी किया, उन्हें समझाया भी, मगर सती ने यह समझा कि अगर इन दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हो गया है तो मैं मध्यस्थी कर वो दूर करूं। इस हेतु वे अपने पिता के घर जाने के लिए उद्युक्त हुई। सती जब अपने पिता के वहां यज्ञ मंडप में पहुंची है, उस समय पे पिता ने जैसे ही अपनी पुत्री को आया हुआ देखा, दक्ष प्रजापति ने अपना मुंह फेर लिया। बहुत ही बुरा लगा सती को, पिता होकर अपनी पुत्री से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं। माता से मिली, फिर जब यज्ञ मंडप में उनकी दृष्टि पड़ी तो यज्ञ मंडप में उन्होंने देखा कि सभी देवों के लिए स्थान था लेकिन उनके पति के लिए कोई स्थान नहीं था, महादेव जी के लिए कोई स्थान नहीं था, जो विश्व के कल्याण के लिए स्वयं हलाहल विषपान किया है। ऐसे चरितार्थ का, ऐसे देव का,
ऐसे महादेव का स्थान न पाकर सती अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने तुरंत ही अपना देह त्याग करने का निश्चय किया, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि यदि ये देह रहेगा तो कोई ना कोई मुझे दक्ष सुता कह के तो पुकारेगा, मुझे अब पिता की पहचान ही नहीं चाहिए। यह सोच उन्होंने उसी यज्ञ मंडप की उसी यज्ञ वेदी में अपना शरीर झोंक दिया। सती का शरीर जलकर भस्म हुआ, महादेव अत्यंत क्रुद्ध हुए और दक्ष का जो यज्ञ था उसका ध्वंस किया। बहुत काल पश्चात सती हिमालय के वहां पुत्री के रूप में अवतरित हुई, जो पार्वती के नाम से जानी गई। मन में यही संकल्प के पति तो केवल मेरे महादेव ही होंगे। तपश्चर्या की महादेव को प्रसन्नता हेतु उनको प्रसन्न कर अपना स्वामी बनाने के लिए पार्वती जो बन पड़ा वे सब किया। और यहां देव भी ये चाहते थे, क्योंकि महादेव और पार्वती की संतान से ही जो दैत्य था तारकासुर उसका नाश करना था, उसका विनाश तभी संभव था। इसलिए देवों ने कामदेव को उद्युक्त किया कि आप कुछ ऐसा करो कि जब पार्वती जी शिव जी के पास जाए, महादेव जी के पास जाए, उस समय पे वे उनको तुरंत स्वीकार कर ले। बहुत ही मेहनत से और प्रयत्न से कामदेव को जब देवों ने तैयार किया तो कामदेव स्वयं जहां पार्वती जी शिव जी की सेवा करने हेतु वहां पहुंची है उसी समय पे भगवान शिव पर काम ने अपने पांचों बाणों का प्रहार किया है। काम का प्रहार हुआ, काम के बाणों का प्रहार हुआ है, लेकिन शिव जी का तीसरा नेत्र जो ज्ञान चक्षु है उन्होंने खोला, और जैसे ही वो ज्ञान चक्षु खुला, ज्ञान दृष्टि खुली कि तुरंत ही काम भस्म हो गए, काम का दहन हुआ। ये काम का दहन ये आज ही के दिन हुआ था, इसीलिए होली मनाई जाती है। ऐसी एक दूसरी कथा भी है, तीसरी कहानी जो अत्यंत प्रसिद्ध है और ज्यादातर सभी लोग होलिका दहन के पीछे ये कहानी का महत्व जानते हैं। हिरण्यकशिपु प्राचीन काल में अत्यधिक बलशाली आसुरी राजा, आसुर संपत्त से युक्त यह राजा ने ऐसी घोषणा कर दी थी कि मेरी प्रजा केवल मेरी ही पूजा करेगी, न किसी भगवान की पूजा करेगी, न विष्णु को मानेगी, न उसकी पूजा अर्चना करेगी। यदि किसी को पूजन करना है तो वो मेरा करे, यदि किसी को स्तुति करनी है तो वो मेरी करे, यदि किसी को यज्ञ करना है तो वो मेरे नाम से यज्ञ करे, कोई परमात्मा कोई भगवान के नाम से यज्ञ नहीं होगा, ऐसा उसका आदेश था। और यदि कोई उसका आदेश नहीं मानता था तो उसे बहुत ही दंड प्राप्त, और इतना भयंकर दंड उसे मिलता था कि दूसरे लोग उससे डर जाते थे, कांप जाते थे। होने ये लगा कि परमात्मा की पूजा जो होती थी वो सब लोग चोरी छुपी छुप छुप के किसी को पता ना चले इस तरह से करने लगे थे। हिरण्यकशिपु अपने मदांध और अत्यंत क्रूर स्वभाव से प्रजा में घृणा पात्र द्वेष पात्र हुआ, लोग घृणा भी करते थे उसका द्वेष भी करते थे, लेकिन डरते थे इसलिए सामने कोई कुछ नहीं बोल पाते थे। इसी हिरण्यकश्यप के घर लाद संवाद ऐसा और एक पुत्र था उनका प्रहलाद। ये प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था, भगवान की गीत गाना, उनकी स्तुति करते रहना, उनका नाम स्मरण करना, मानो ये उसके जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण और अत्यधिक श्रेष्ठ बात मानी जाती थी। रग रग में नस नस में केवल परम पिता परमात्मा की भक्ति ही बसी हुई थी, न केवल उसके मन में
ये भक्ति थी, बल्कि अपने जो स्नेही जन, अपने सूरज मित्र थे, समकक्ष जो स्नेही थे, उन सभी को भी वे परमात्मा की भक्ति की ओर अत्यंत लालायित करते और उनका महत्व समझाते। श्री हरि परम पिता परमात्मा की भक्ति से ही मन को शांति, प्रेम, आनंद प्राप्त होता है। ये अपने स्नेही, अपने मित्रों को भी बात समझाते और उसी प्रकार से उनसे भी नाम स्मरण और स्तुति करवाते। ये कहानियां, ये बातें धीरे धीरे हिरण्यकशिपु के कानों में आने लगी। अत्यंत क्रुद्ध हुआ ये असुर, सोचने लगा कि जगत तो मेरी बात को मानता है, लेकिन मेरे ही घर में मेरा पुत्र ही इसका विरोध करता है। ऐसे पुत्र को तो मैं बहुत ही कड़ा दंड दूंगा। यह सोच उसने कभी उसे विषपान करवाया, कभी उसे पर्वत पर से नीचे धकेला गया, कभी बीच समंदर में उसे डुबोया गया, तो कभी किसी ना किसी प्रकार के कष्ट और यातनामय संजोगों से उसे बार बार समस्याओं में डाला गया। लेकिन सदैव की भांति हर वक्त प्रहलाद केवल हरि नाम जपता हुआ, परमात्मा का नाम जपता हुआ, सदैव बिल्कुल कुशल क्षेम रूप से जीवित वापस लौटता रहा। हिरण्यकशिपु को बार बार आश्चर्य होता कि मैं इतना प्रयत्न कर रहा हूं, यह प्रहलाद मरता क्यों नहीं? उसे मारने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, फिर भी ये प्रहलाद जीवित कैसे रहता? बहुत ही प्रयत्न के पश्चात जब वो मायूस हुआ, सोचने लगा कि अब इसे कैसे मारा जाए, उस समय पे उसे चिंता में मग्न देख उसकी एक बहन थी होलिका, जिसे परमात्मा का वरदान प्राप्त था कि अग्नि भी उसे जला नहीं सकता। वे अपने भाई के पास आई और कहने लगी कि भैया इतने चिंता मग्न क्यों है, जबकि त्रिलोक आपके सामर्थ्य से डरता है। ऐसे त्रिलोक को डराने वाले स्वामी आप हैं, फिर भी आप चिंता मग्न मुझे दिखाई दे रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने बात की कि देख इस तरह है, मैं उसका पिता हूं, फिर भी मेरी बात न मानकर वो मेरे शत्रु को पूछता है, मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। तब होलिका ने कहा कि फिर आप उसका अंत क्यों नहीं कर देते? हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैंने बहुत से प्रयत्न किए, लेकिन पता नहीं ये लड़का कैसे बच जाता है, कौन उसका रक्षण करता है, कौन उसे बचाता है। मैं तो इस समस्या से छुटकारा मेरा कैसा हो, मैं बस यही चिंता में मग्न हूं। और होलिका हंस पड़ी कि भैया क्या बात, आपको इतना भी याद नहीं कि आपकी बहन को परमात्मा का वरदान मिला हुआ है? तब हिरण्यकशिपु को याद आया, अरे हां बात तो सही है। तब होलिका ने अपने भाई को कहा कि देखिए अब ऐसा कीजिए कि आप अग्नि प्रज्वलित कीजिए और प्रहलाद को, मैं अग्नि के अंदर बैठ जाऊंगी, प्रहलाद को मेरी गोदी में बिठा दीजिएगा। जैसे ही प्रहलाद मेरी गोदी में बैठे, अग्नि प्रज्वलित कर इतने सारे काष्ठ वहां पर डाल दीजिए, इतने सारे लकड़े वहां पर डाल दीजिए कि उसमें प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए, क्योंकि मुझे तो अग्निदेव जला नहीं सकते। जैसे ही ये उपाय सुना, हिरण्यकशिपु बहुत ही प्रसन्न हुआ कि वाह क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और इस तरह से उसने घोषणा कर दी और घोषणा के हिसाब से ही एक बहुत बड़ा मंच वहां पर सजाया गया, लकड़ों से पूरा ढक दिया गया, उस पर होलिका को बिठाया गया और होलिका की गोदी में प्रहलाद जी को बिठाया गया और फिर चारों ओर से वहां पर लकड़े बिछाए गए और उन लकड़ों में आग लगा दी गई। हुआ ये
कि कुछ काल के पश्चात सभी लकड़े जब जल गए तो लोगों के आश्चर्य के बीच होलिका तो जलकर मर गई, लेकिन प्रहलाद जी सुरक्षित बिल्कुल बाहर आ गए। हर्षनाद हुआ है, जयनाद हुआ है। और फिर उस समय पे प्रजा ने जोर से परमात्मा का स्मरण कर परमात्मा का धन्यवाद किया। वैसे इस कथा के पीछे और एक बात भी आती है, एक परंपरा है ना, जैसे कि हर गली मोहल्ले में हम होली क्यों करते हैं, उसकी वजह भी यही है। जब ऐसी घोषणा हिरण्यकशिपु ने कर दी थी कि होलिका का दहन किया जाएगा और प्रहलाद को होलिका के गोदी में बिठाया जाएगा, उस समय पे प्रजाजन तो वैसे ही आतंकित थे। और जब हिरण्यकशिपु ने बहुत से प्रयत्न किए प्रहलाद को मारने के लिए, उससे भी प्रजा त्रस्त थी। उन्हें बार बार लगता था कि ये कैसा पिता है, अपने पुत्र को मारने के लिए प्रयत्नशील है। और लेकिन जब ये बात सुनी कि उसकी बुआ की गोद में उसे बिठाकर उसके जलाने का षड्यंत्र हो रहा है, तो प्रजा को बहुत ही बुरा लगा। प्रजा ने यह सोचा कि क्यों ना हम अपने घर में अग्निदेव को प्रज्वलित कर उनसे ये प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, आप हमारे बेटे प्रहलाद को कभी भी जलाना मत। इसीलिए उस दिन जब होली का दहन हो रहा था, उस समय पे हर गली, हर घर में, हर मोहल्ले में अपने यहां पर अग्नि प्रज्वलित कर लोगों ने अग्निदेव से प्रार्थना की कि हे अग्निदेव, प्रहलाद को आप सुरक्षित रखिएगा। और इतने सारे लोगों की प्रार्थना मानो सच हुई, होलिका भस्मीभूत हो गई, प्रहलाद जी को बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। सुरक्षित जब लौटे हैं तब प्रजाजनों ने हर्षनाद किया है। और उस समय पे हर्षित होकर सभी ने गुलाल आदि रंग सभी पर एक दूसरे पर छिड़के हैं और बार बार साधुवाद, हर्षनाद कर, जय घोष कर, परमात्मा को धन्यवाद कर होली मनाई है। ये परंपरा आज भी इसी तरह से चली आ रही है। होली का दहन जहाँ पर हम करने वाले हो, सबसे पहले उस स्थल को आप पवित्र करें, स्वच्छ कर दें। उसके पश्चात मध्य भाग में एक गड्ढा सा खोद कर वहाँ पर काष्ठ, लकड़े आदि एकत्रित कर, इकट्ठा कर, और बाद में उस एकत्रित हुए काष्ठ को बांध कर हमें रखना है। तत्पश्चात वहाँ पर अबीर, गुरार, कुमकुम आदि से उसकी पूजा करनी है। और पुष्प की माला, पताशे की माला उसे पहनाई जाती है। और उसके बाद कई जगह पर लाल और कई जगह पर श्वेत सूत्र तीन बार उसकी प्रदक्षिणा कर उसे बांधे जाते हैं। ये परंपरा भिन्न भिन्न क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से होती है। कुछ अगरबत्ती आदि या धूप हो तो धूप दिखाया जाता है। आप सभी ले लें। होलिका देवी को धूप समर्पित करेंगे। फिर जो घनिष्ठान या मिठाई या फिर खजूर आदि जो हो वो वहां पर चार भाग में उसका विभाग कर काली द्राक्ष रख कर उन्हें नैवेद्य समर्पित किया जाता है। चार भागों में
खजूर रखी जाएगी। काली द्राक्ष, होलिका माता की स्तुति की जाती है। ये स्तुति द्वारा ये मांगा गया है कि आप जगत की माता हैं और जो भी कष्ट या पीड़ाएं हैं भक्तों की, उसे आप जला डालें, कि हमारे सारे कष्ट, दुख, बाधा, पीड़ा, ताप, संताप, परिताप, ये सब दूर हो जाएं। ओम होलिके तुम जगद्दात्री, होलिकाये नमो नमः। ओम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदनात् विमुच्यते नमस्तस्यै विष्णवे प्रभ विष्णवे। यच्च किंचित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थित। हाथ में श्रीफल ले और होलिका जी की स्तुति करनी है। पापम तापम च दहनम कुरु कल्याणकारिणी, होलिके तुम जगद्दात्री, होलिकाये नमो नमः। होलिके तुम जगन्माता सर्वसिद्धि प्रदायिनी, ज्वालामुखी दारुणा त्वं सुख शांति प्रदा भव। वंदितांसि सुरेन्द्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च, अतस्त्वां पाहि नो देवी भूते भूति प्रदा भव। अस्माभिर्भय संत्रस्ते कृत्वा त्वं होलिबालिशे, अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदा भव। त्वमग्नि त्रिपरिक्रम्य गायन्तु च हसन्तु च, जल्पन्तु स्वेच्छया लोका निशंक यस्य यन्मतम्, निशंक यस्य यन्मतम्। अर्थात हे अग्निदेव, हे होलिका, आप हम सभी का कल्याण करो। हम आपके चहुओर गाते हुए, हंसते हुए, आपका नाम स्मरण करते हुए घूमेंगे, प्रदक्षिणा करेंगे। इस तरह से प्रार्थना कर उस श्रीफल को वहीं पर फोड़ना है, और जो जल हो वो थोड़ा सा होलिका के लिए, जो हमने होली दहन के लिए जो तैयारी की हुई है, उस पर डालना है। श्रीफल को फोड़ यहाँ पर जल समर्पित करेंगे थोड़ा सा। श्रीफल को यहाँ पे ही छोड़ देंगे, यहाँ पे रख देंगे। उसके पश्चात फिर अग्निदेव को लाया जाता है और उस होलिका के एक प्रदक्षिणा की जाती है। धूप की एक आरती कर लेंगे। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। एक प्रदक्षिणा कर लेंगे पकड़कर, अकेले आप जाएं। तुरंत ताम्र कलश में एक जल लेना है। इस जल को अपने हाथों में रख, सभी बच्चे, बूढ़े, स्त्री पुरुष जो भी हो,
वे अपने हाथ में लेकर 3 बार थोड़ा थोड़ा जल गिराते हुए पूर्ण होलिका दहन जब करते हैं तो उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। ये 3 बार प्रदक्षिणा करते हुए मन में ये प्रार्थना करनी है कि हमारा कल्याण हो, हमारा शुभ हो। होलिका के सामने खड़े रहकर एक और श्रीफल जो हो, यदि क्योंकि ये हर क्षेत्र की भिन्न भिन्न परंपराएं होती हैं, अलग अलग रिवाज होते हैं, तो कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता है कि एक और श्रीफल जो ले आ जाता है वो होलिका के अंदर कुछ पैसे के साथ समर्पित किया जाता है और उसके बाद भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जैसे आपने भक्त प्रहलाद की लाज रखी थी वैसे ही हमारे जीवन में जब भी उत्पात, कुछ कष्ट, कुछ बाधाएं, कुछ ताप, कुछ परिताप, कुछ संताप, कुछ समस्याएं, ये सब भी जब आए तो आप ऐसे ही हमारा रक्षण करें। ऐसे भगवान विष्णु को प्रार्थना करके प्रसाद आदि ग्रहण करके और फिर थोड़ा सा गुलाल रंग आदि उड़ाकर अपने अपने घर को लौटना है।